हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, लेकिन आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। आप लीड जनरेशन से हजारों कमा सकते हो, जहां आपको सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना होगा। ये सिंपल और इफेक्टिव पैसिव इनकम आइडिया है और आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। हाय, दिस इज मोहित सीखो गुरु एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट लीड जनरेशन बिजनेस। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि लीड जनरेशन होता क्या है। व्हाट इज लीड जनरेशन? लीड जनरेशन का मतलब होता है उन लोगों को ढूंढना जो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं, और उन्हें उन कंपनी से इंडिविजुअल तक पहुंचाना जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं। यहाँ आप एक मिडिलमैन का रोल प्ले करते हो, और जहाँ दो पार्टीज आपस में डील करते हैं आपको कमीशन मिलता है। सिर्फ यही है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन बिजनेस में आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता, बस आपको कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प करना होता है। कंपनीज लीड जनरेशन सर्विस इसीलिए यूज करती हैं क्योंकि उनके पास लीड्स ढूंढने का टाइम नहीं होता। अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली लीड्स दे सकते हैं तो आप आराम से एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये बिजनेस शुरू करना कैसे है। तो चलिए आपको लीड जनरेशन बिजनेस शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने लिए एक प्रॉफिटेबल नीश चूज करना होगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। एक परफेक्ट नीश चूज करने के लिए आपके पास इंडस्ट्री नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर एक बार आपने अपनी नीश चूज कर ली तो उसके बाद आपको लीड जनरेट करने के लिए सोर्स डिसाइड करने होंगे। इसके लिए आप सोशल मीडिया, गूगल एड्स, लिंक्डइन या फिर पेड एड्स का यूज कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मेलिंग, ईमेल मार्केटिंग लीड जनरेट करने के इफेक्टिव मेथड्स हैं। और अगर एक बार आप अच्छे से लीड जनरेट करना सीख गए तो फिर आप अपनी ये लीड जनरेशन सर्विसेज कंपनीज को अच्छे रेट पर ऑफर कर सकते हैं। आपको बस इंटरेस्टेड कस्टमर्स को उन कंपनीज तक पहुंचाना होता है, और इनमें से सबसे जरूरी है कंपनीज के सामने क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपने कमीशन की बात करना। अभी आपका डिसीजन है कि आप ये कमीशन कैसे मांगेंगे। आप पर लीड या पर सेल के हिसाब से कमीशन ले सकते हैं, और ये कमीशन 500 से लेकर 5000 पर लीड तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंडस्ट्री कैसी है और आप काम कैसे करते हो। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे ही आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ती है, आप अपनी लीड जनरेशन प्रोसेस को स्केल कर सकते हैं। ज्यादा लीड जनरेट करके आप ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। और ये चीज आपको हमेशा करनी होगी अगर आपको मार्केट में रेलेवेंट रहना है। तो ये तो बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, तो इसमें सबसे जरूरी स्टेप है कि लीड जनरेट करनी कैसे है। लीड जनरेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल और कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहला मेथड है लीड फाइंडर टूल्स या डेटाबेस को यूज करना। आप अपलीड या जूम इन्फो जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलियंस ऑफ B2B कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। दूसरा मेथड है कोल्ड आउटरीच। ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन काफी इफेक्टिव है। कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड मेलिंग से आप डिसीजन मेकर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट की नीड्स और पेन पॉइंट को सही से समझ लिया तो ये मेथड काफी फ्रूटफुल हो सकता है। तीसरा तरीका है SEO या फिर कंटेंट मार्केटिंग का यूज करना, जो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं और SEO का प्रॉपर यूज करते हैं, तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्चेस में हाई रैंक करती है, जिससे आपको कंसिस्टेंट और टारगेटेड लीड्स मिलती हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स कनेक्शंस बनाकर भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ये बेहद इफेक्टिव मेथड है, स्पेशली B2B स्पेस में। लिंक्डइन पर आप डायरेक्टली डिसीजन मेकर को अप्रोच कर सकते हो और अपनी लीड जनरेट कर सकते हो, और ये मेथड लीड जनरेशन को स्ट्रीमलाइन बना देता है। लेकिन ये सब मेथड्स तभी काम करेंगे जब आप सक्सेस टिप को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि लीड जनरेशन बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपका अपने लीड्स और क्लाइंट्स के साथ रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन लीड जनरेशन। हर लीड को इफेक्टिवली नर्चर करना पड़ता है ताकि वो सेल बन सके। साथ ही नेगोशिएशन स्किल्स का भी काफी बड़ा रोल होता है, जिसमें आपको अपने कम्युनिकेशन और डील मेकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करते रहना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये होगी कि आप हमेशा मार्केट ट्रेंड्स को समझकर अपनी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करते रहें। तो गाइस, ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर ओन लीड जनरेशन बिजनेस। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस मॉडल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट, कीप वॉचिंग सीखो।